Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is Silver Poems Question and Answers. तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले इस पोएम के वार्मिंग अप एक्टिविटीज, मार्जिन क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वर्कशॉप. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे देखते हैं वार्मिंग अप में पहला क्वेश्चन. तो यहाँ पे करना है इमेजिन दैट योर क्लास हैज टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और हाउसेस. तो जिन ग्रुप्स में या हाउसेस में उन्हें डिवाइड किया जाएगा, तो हर एक हाउस का अपना रंग होगा, अपना प्रतीक होगा, कोई आदर्श वाक्य होगा, कोई ड्रेस कोड होगा और उनका एक कॉमन रूम होगा जिसके अंदर उनके इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड सूटेबल फर्नीचर होगा. तो एग्जैक्टली करना क्या है, थिंक ऑफ सेट्स ऑफ फोर नेम्स फॉर द ग्रुप्स. तो और क्या करना है, फॉर्म ग्रुप्स एंड वर्क आउट द इमेजिनरी डिटेल्स फॉर ईच सेट. तो यहाँ पे दिया गया है एक ग्रुप के बारे में सजेशन जिसका नाम है नीम, कलर है येलो, सिंबल है उनका द सन, मोटो दिया गया है हेल्थ इज वेल्थ, ड्रेस कोड है येलो वेस्ट बेल्ट एटसेट्रा, फर्नीचर एक केन फर्नीचर, ग्रीन एंड येलो कर्टन्स एंड हर्बेरियम्स इन द कॉमन रूम. तो इन्हीं ग्रुप्स को या हाउसेस को बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया एक टेबल. तो पहले उसे कर लेते हैं फिल. यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर. तो इसे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैंने एक हाउस आपको बना के दिखाया है. तो हाउस नेम अशोका, उनका कलर है रेड, सिंबल है उनका सीरियस स्टार, मोटो है उनका नॉलेज इज पावर, फ्लावर है उनका मेरी गोल्ड, सीजन है ऑटम, मेटल है उनका गोल्ड और ड्रेस कोड है रेड एंड येलो. तो उनकी कॉमन रूम बनी मेटल फर्नीचर से, रेड एंड येलो कर्टन से. लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. रीड द लाइंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम, गेस एंड फिल इन सूटेबल वर्ड्स टू मेक द लाइंस राइम. तो देखते हैं इसका आंसर. गोल्डन ग्लो, सून आफ्टर डॉन राइजेस द सन, इट वेक्स एंड एनलाइवन्स एवरीवन, इट स्केयर्स अवे द लॉन्ग डार्क नाइट, द शाइनिंग स्टार्स गो आउट ऑफ साइट, फ्रॉम ट्री टू ट्री बर्ड्स फ्लिट एंड फ्लाई, सर्चिंग फॉर फूड विद अ शार्प आई, द बर्ड्स दैट ओपन नाउ शो देयर फेस, एज फ्लावर दे डांस विद द ब्यूटी एंड ग्रेस, द हिल स्लोप वेयर द ग्रासी ग्रीन ड्रेस, द कर्व स्पार्कलिंग रिवर इट गोल्ड पजेस, द कॉक देन क्रोज टू गिव अ लाउड कॉल, कम ऑन वेक अप फोक्स वन एंड ऑल, आई देन वेक अप गुड मॉर्निंग टू से, लेट्स ऑल लुक फॉरवर्ड टू अ गोल्डन डे. अब देखते हैं मार्जिन क्वेश्चंस. तो यहाँ पे एक ही सवाल है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स एटसेट्रा इन द पोएम आर एट रेस्ट विदाउट एनी मोशन. तो पोएम में बताए गए वो ऑब्जेक्ट्स, वो एनिमल्स बताए जो रेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे. तो यहाँ पे आंसर आएगा द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स इन द पोएम आर एट रेस्ट विदाउट एनी मोशन. तो ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे फ्रूट्स, ट्रीज, केजमेंट्स, थैच, केनल, कोट, रीड्स और वही एनिमल्स में देखेंगे डॉग, डव्स एंड फिश. लेट्स मूव टूवर्ड्स इंग्लिश वर्कशॉप. तो यहाँ पे किया गया है पहला सवाल, इफ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, व्हाट ऑब्जेक्ट एनिमल्स नेचुरल फीचर्स एटसेट्रा विल यू शो इन द पिक्चर, मेक अ लिस्ट. तो इस क्वेश्चन का मतलब है, यदि आपसे कविता में वर्णित दृश्य का विस्तृत चित्र बनाने के लिए कहा गया या फिर कहा जाए, तो उस चित्र में आप कौन से ऑब्जेक्ट को, एनिमल्स को, नेचुरल फीचर्स को दिखाएंगे, एक लिस्ट बनाइए. तो आंसर आएगा इफ आई वर आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, आई वुड शो द नाइट सीन, द मून, द ट्रीज, द फ्रूट्स, द हाउसेस विद शाइनिंग रूफ, द विंडोज, द डॉग इन इट्स केनल, डव्स इन देयर नेस्ट, अ माउस इन द फील्ड, अ फिश एंड द रीड्स इन द स्मॉल स्ट्रीम. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. तो पहले देखते हैं राइमिंग वर्ड्स, मून शून, सी स्ट्रीज, कैच थैच, लॉग डॉग, पीप स्लीप, बाय आई, ग्लीम स्ट्रीम. और इसी की वजह से इसकी राइम स्कीम बनती है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, क्योंकि ये पोएम कपलेट फॉर्म में है. थर्ड क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर, सिल्वर इन द पोएम, इन विच लाइन्स डज इट अकर, वॉट पैटर्न डज इट शो. Answer, the students can underline the words themselves. The word silver or silvery occurs in the second line of each stanza. It shows a pattern of repeating same words for creating good effect on reader and the perfect use of repetition figures of speech. Fourth number question, can you think of a parallel scene of dawn or evening when everything is steeped in a golden light? क्या आप सुबह या शाम के इसी तरह के समांतर दृश्य के बारे में सोच सकते हैं?
जब सब कुछ गोल्डन लाइट में डूबा हुआ होता है. आंसर यस, आई कैन थिंक अ पैरेलल सीन ऑफ डॉन व्हेन द सन इज अबाउट टू राइज एंड द हिल्स ट्रीज हाउसेस वाटर बॉडीज एटसेट्रा इन द ईस्ट आर स्टीप्ड इन अ गोल्डन लाइट. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम्स, व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस. तो एक ही लैंडस्केप अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखता है, तो इससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं. आंसर, द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ लाइट. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन थिंकिंग दैट हाउ ही और शी सीज द सिचुएशन. वी शुड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन लाइक द पोएट डज. सिक्स नंबर क्वेश्चन से पहले इस पोएम का एप्रिसिएशन भी आप देख सकते हो. ये बच्चों 5 मार्क्स के लिए आता है. सिक्स नंबर क्वेश्चन, रीड द लिसनर्स एंड समवन पोएम्स बाय वाल्टर डेलामेयर. तो यहाँ पे ये पोएम आप देख सकते हो और इन्हें पॉज करके आप आसानी से रीड कर सकते हो. एंड हियर वी हैव डन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस पोएम. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड देम वेल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. कीप स्टडिंग. बाय बाय.